काशी विश्वनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु रात से ही कतार में लगकर बाबा का दर्शन कर रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव की नगरी काशी में महादेव के दर्शन को विश्वनाथ धाम में बाबा भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार का पट खुला तो श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बन रही थी। विश्वनाथ धाम हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजयमान हो उठा। चप्पे चप्पे की चौकसी के बीच रेड कारपेट से होकर भक्तों के दर्शन पूजन का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। धाम तक श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर लंबा रेड कारपेट बिछाया गया। शाम 6 बजे तक धाम में 2.5 लाख के करीब भक्तों ने हाजिरी लगाई। ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ की झांकी का दर्शन करने के लिए देश भर से शिव भक्त पहुंचे। रात से ही कतार में खड़े होकर श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए आतुर दिखे। मंदिर में आने वाले कांवड़ियों और शिव भक्तों का वाराणसी के कमिश्नर कौशलराज शर्मा और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा के साथ आला अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को सुगम दर्शन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम के साथ सुरक्षाकर्मी देर रात से ही लगे हुए हैं। शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भक्तों की सुरक्षा के लिए CCTV और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, तो वहीं सादे वस्त्र में पुलिस के जवान भी भक्तों के बीच तैनात रहे। वहीं गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से तैनात रही। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगातार जल पुलिस और NDRF की टीम चक्रमण कर लोगों को गहरे पानी से स्नान न करने की अपील कर रही थी। गंगा किनारे NDRF और जल पुलिस के साथ काशी के मांझी समाज के लोग और स्थानीय नाविक भी लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक रहे थे। थोड़ी देर में